पौरी के कॉलेज प्रांगण पर स्वर्गीय कैलाश वासी माथुराम सिंधिया की स्मृति में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा और युवा टूम के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया है। क्रिकेट का शुभारंभ 20 दिसंबर से किया गया, जिसका आज से क्वार्टर फाइनल मैच का शुभारंभ हुआ, जहां प्रारंभ के दौरान मुख्य अतिथि पीडब्ल्यू राज्य मंत्री राठखेड़ा उपस्थित हुए, जहां सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इसका बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच का संचालन भारत सिंह धाकड़ और शिव कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जहाँ मैच में कमेंट्री आकाशवाणी भोपाल के विकास यादव द्वारा की गई, जहाँ मुख्य अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस किया। समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त राजमंत्री सुपुत्र जीत राठखेड़ा ने किया, जहां युवा टीम द्वारा टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण की व्यवस्था कराई गई है, जिसका क्षेत्रवासी घर बैठे आनंद उठा रहे हैं। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, खेल को सदैव खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेल को हम सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए। और जब दो टीम लड़ती है, दो व्यक्ति लड़ते हैं, तो एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। मैं हारने वाली टीम को भी आग्रह करूंगा और जीतने वाले को, जो भी टीम हारती है और जीतती है, दोनों ही दल एक होके और पूरी खुशियों का आनंद लें, एक साथ एकजुट होके। और मैं मंच का जो संचालन कर रहे भरत को भी कहना चाहता हूं कि सबको हिलमिल के हमको इस खेल को बढ़ाना है। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि एक ना एक दिन हमारे पौरी का नाम रोशन होगा, हमारे पौरी के बेटा और बेटियां जब हमारे देश में खेलने जाएंगे, विदेश में जाएंगे, तो अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करेंगे, साथ साथ में पौरी का नाम रोशन जरूर होगा।